हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। मीडिया के सामने आकर हाल ही में करण मेहरा की वाइफ निशा रावल ने करण के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके चलते इतनी बात आगे तक बढ़ गई। वहीं अब इस सब पर करण का बयान आ रहा है। करण ने कहा है कि सारी बातें झूठी हैं, बेसलेस हैं, और करण ने इन सभी बातों से पर्दा उठाया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। करण मेहरा और निशा रावल टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल में से एक रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त से इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। दोनों का फैमिली कोर्ट में डिवोर्स तक चल रहा है, लेकिन इसी बीच निशा रावल ने करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया था, जिसके बाद करण मेहरा को अरेस्ट किया गया और उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। साथ ही में हाल ही में निशा रावल ने मीडिया में आकर कहा कि उनका किसी औरत के साथ चक्कर है। अब इन सब के बारे में बात करते हुए करण ने कहा कि ये सारी बातें बनाई गई हैं और इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अब तो मेरा नाम और लोगों के साथ जोड़ा ही जाएगा, लेकिन ये सभी स्टोरी बेसलेस है। मैंने कभी भी उसको चीट नहीं किया है और मेरा कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। करण ने ये भी कहा कि कुछ सालों से हम दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहा था हमारा रिश्ता, और अप्रैल में निशा ने कहा कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, जिसके बाद मैंने हामी भर दी। जब मैं चंडीगढ़ से वापस आया, जहाँ पर मैं शूटिंग कर रहा था COVID-19 की रिकवरी के बाद, वहीं से आने के बाद हमारी बातें हुई फाइनेंसेस को लेकर। इतना ही नहीं, रोहन ने ये भी कहा कि मैंने उसके राखी भाई रोहित को भी बुलाया था ताकि वो आए और निशा से कहे कि उनके मम्मी पापा के साथ अच्छे से बिहेव किया करे। इसके बाद चीज़ें और बिगड़ती हुई चली गईं। भाई बहुत ही जल्द कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ जाएगी, क्योंकि अब तो केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं, और इस तरह अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।